रतलाम जिले के ग्राम रावटी के नज़दीक बस ने 6 वर्षीय बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई। वहीं मौके से बस चालक अपनी बस को रावटी थाने के बाहर खड़े करके भाग गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर जाकर पंचनामा बना और घटना की जांच शुरू कर दी। ड्राइवर के फरार होने से लोगों में बहुत आक्रोश था, जिसके बाद थाने पर ग्रामीणों की भीड़ ने हंगामा कर दिया। पुलिस ने भी सभी को समझाया। लोगों ने यही बताया कि इस बस की गति हमेशा तेज रहती है, इसलिए इसका परमिट निरस्त किया जाए। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। आज किसका एक्सीडेंट हुआ आपके यहाँ पे? मेरे भांजी को। कैसे हुआ? बस से हुआ। क्या चाहते हैं आप? बस गाड़ी रुकनी चाहिए, गाड़ी नहीं चलनी चाहिए रोड पर। क्या कारण था? बस कैसे चल रही थी? बस चल रही थी, अब ये घटना कर रही है और वहाँ कहीं निराकरण कहीं है ही नहीं। बस चल रही थी, मतलब कहीं निकल रहा वहाँ मनक मारती जान चलती जाते हुए कोई सुनवाई नहीं करी। आप वहीं थे मुके? हाँ वहीं था। कैसे हुआ? बस मैं पेशाब कर रहा था और आवाज़ आई और रोड पर दौड़ी ना आया, रोड पर आवाज़ आई, देखे तो लड़की बस गाड़ी वाले स्पीड तो बढ़ा दी। कौन सी स्पीड से थी बस? पाठी पाठी बस थी। बस की स्पीड ज़्यादा थी? हाँ स्पीड ज़्यादा थी नहीं बस की। आज सुबह करीबन 10-10:30 बजे करीबन बीच में शिवगढ़ रावटी रोड पर भाटी बस से एक एक्सीडेंट हुआ है, जिससे कि 6 साल की बच्ची इस पार्ट पर ख़त्म हो गई। वो बच्ची अपने नाना के यहाँ पे रहती थी, खटालिया की रहने वाली है, चंदा पिता वीर सिंह दामा। तो तत्काल वहाँ से मौके पर जाके पंचनामा कार्य प्रारंभ कर दी गई है और हरियाणा के सदस्य एफ आई आर करके इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। सर कुछ लोग हंगामा कर रहे थे, क्या डिमांड थी उनके बच्चे के लिए? क्या उनकी डिमांड थी कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और वाहन के को भी जब्ती बनाकर उस पर वैधानिक कार्रवाई तत्काल की जाए। तो उनकी मांगों को माना गया है और तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करके आगे वैधानिक कार्रवाई की